नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इथियोपिया में वैल्यूएशन के हिसाब से शॉर्ट की हुई टॉप 20 प्रोडक्ट्स कौन सी है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है इंडिया से। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी टॉप 20 प्रोडक्ट्स है जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखा गया है एक्सपोर्ट्स में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाए। और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट की जो प्रोडक्ट नंबर 20 है वो है पॉलीमर्स ऑफ स्टीरीन एंड प्राइमरी फोम्स। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये केमिकल प्रोडक्ट है और यहाँ पे यूएसडी थाउजेंड्स में 2021 की जो है वो वैल्यूएशन दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रोथ रेट इन वैल्यू बिटवीन 2017 टू 2021 परसेंटेज पर एनम के हिसाब से दी गई है। तो यहाँ पे 20 नंबर की जो प्रोडक्ट है वो है 175% के ग्रोथ रेट के साथ और यह एक केमिकल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ प्रोडक्ट नंबर 19 और 178% के ग्रोथ रेट के साथ, ये है पास्ता वेदर और नॉट कुक्ड और स्टफ्ड विद मीट और अदर सब्सटेंसेस और अदरवाइज प्रिपेयर्ड। अगर ये प्रिपेयर्ड हो या अनप्रिपेयर्ड हो, रो हो या कोई भी फॉर्म में पास्ता हो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ताज हो तो यहाँ पे इन पास्ताज की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट नंबर 18 की बात करें तो यह है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस नॉट कंसिस्टिंग ऑफ आर्टिकल्स प्रोवाइडेड फॉर मोर स्पेसिफिकली इन अदर हेडिंग। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस है, यानी कि LCDs की बात हो रही है और LCD की बहुत ही सही डिमांड कह सकते हैं 102% के ग्रोथ रेट के साथ। यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 17 की अगर बात करें तो आर्टिकल्स ऑफ प्लास्टर और कंपोजिशन बेस्ड ऑन प्लास्टर्स, ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टर्स रहते हैं ऐसे प्लास्टर्स की बात हो रही है 189% के ग्रोथ रेट के साथ, ये है प्रोडक्ट नंबर 17। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ बेबीज़ गारमेंट्स एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स, जो स्पेसिफिकली बेबी के गारमेंट्स रहते हैं, स्मॉल बेबी के किड्स के ऐसे गारमेंट्स की बात हो रही है और एक्सेसरीज भी वहाँ पे ज़्यादा डिमांड में है 197% के साथ, इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 16 है। प्रोडक्ट नंबर 15 की बात करें तो बिल्डर्स वेयर ऑफ प्लास्टिक्स, ये बिल्डर्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेज में काम आने वाले जो प्लास्टिक्स रहते हैं जो कि जिससे जिसमें कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ में ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है, ऐसी प्रोडक्ट की बात हो रही है और ये है 203% के ग्रोथ रेट के साथ, इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 15। प्रोडक्ट नंबर 14 की बात करें तो बार्स एंड रोड्स ऑफ आयरन एंड नॉन अलॉय स्टील कोल्ड फॉर्म और कोल्ड फिनिश वेदर और नॉट फर्दर प्रोसेस्ड। अगर बार्स एंड रोड्स की बात करें तो ये है आयरन एंड नॉन अलॉय स्टील से बने हुए बार्स एंड रोड्स की बात हो रही है, कोल्ड फॉर्म और कोल्ड फिनिश्ड, तो जिसमें हीट ट्रीटमेंट ना दी हो और ऐसी जो प्रोडक्ट्स रहती है ऐसी प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आयरन एंड नॉन अलॉय स्टील की जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली इन टाइप की प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है और आपको कोई भी क्वालिटी और क्वान्टिटी में यहाँ पे इस टाइप की प्रोडक्ट इंडिया में से ईजीली बहुत ही आसानी से सोर्सिंग हो सकती है। 209% इसका जो है वो ग्रोथ रेट है और ये एक सही प्रोडक्ट कह सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए इथियोपिया में। प्रोडक्ट नंबर 13 है फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स इन द फ्लैट सेंसिटाइज्ड एक्सपोज्ड और एनी मटेरियल अदर देन, ये है 211% के ग्रोथ रेट के साथ, एक फोटोग्राफिक प्रोडक्ट है और फोटोग्राफी के पर्पजेस में जो यूज़ होती है ऐसी प्रोडक्ट है और इसकी भी डिमांड जो है वो सही डिमांड है। प्रोडक्ट नंबर 12 है कोरोगेटेड पेपर विथ पेपर गोड और विथ और विदाउट ग्लू फ्लैट सरफेस शीट्स क्रिप्ट और क्रिंकल्ड, फ्लैट हो कटेड हो या तो ये बनाया हुआ बॉक्स हो या तो सिंपल प्लेन जो है वो शीट्स हो, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म में अगर आप इसका सोर्सिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो 211% का जो है वो इसका ग्रोथ रेट पाया गया है। प्रोडक्ट नंबर 11 है ब्लैंकेट्स एंड ट्रैवलिंग रग्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स, 222% के ग्रोथ रेट के साथ, ये भी एक सही प्रोडक्ट है और ट्रैवलिंग रग्स और ब्लैंकेट्स की बात हो रही है जो कि आप ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, 222% के ग्रोथ रेट के साथ, यह है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 11।
प्रोडक्ट नंबर 10 है वुडन फ्रेम्स फॉर पेंटिंग्स, फोटोग्राफर्स, मिरर्स एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, जो कि ज़्यादातर डेकोरेटिव यूजेज के लिए ली जाती है। फोटोग्राफ्स है, कोई सर्टिफिकेट्स है या ऐसे कोई यूज़ में लिए जाने वाले जो फ्रेम्स रहते हैं, मिरर्स है, मिरर्स में भी इसको इनको यूज़ किया जाता है। ऐसी फ्रेम्स की जो है वो डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है। 230% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 10 थी। अब है प्रोडक्ट नंबर 9 और ये है स्पेशल गारमेंट्स फॉर प्रोफेशनल स्पोर्टिंग और अदर पर्पसेस, नीटेड और क्रोच। नीटेड हो या क्रोच हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्टिंग्स रहते हैं, ऐसे यूजेज के लिए जो बने हुए गारमेंट्स रहते हैं, इसकी भी डिमांड ज़्यादा है। 244% के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 9 है। प्रोडक्ट नंबर 8 है कैलकुलेटिंग मशीन एंड पॉकेट साइज डायमेंशंस लेसर देन और इक्वल टू 170 mm × 100 mm × 45 mm और डेटा रिकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी के साथ हो, ऐसे डिवाइसेस जो है वो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड में है। 374% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 8 है। प्रोडक्ट नंबर 7 है पेपर ऑफ द गिनेस पेपर डाइड और क्रश्ड और ग्राउंड फ्रूट्स ऑफ द गिनेस कैप्सिकम। ये डिफरेंट फॉर्म्स की जो है वो पेपर की बात हो रही है, पेपर की भी डिमांड जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है। अब देख सकते हैं 500% जो है वो इसका ग्रोथ रेट है। अगर आप इसका सोर्सिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये एक सही प्रोडक्ट है, कंसिडरेबल प्रोडक्ट है इथियोपिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। आप वैल्यूएशन भी देख सकते हैं, वैल्यूएशन भी एक सही वैल्यूएशन यहाँ पे मौजूद है। प्रोडक्ट नंबर 6 है नटमेग, मेस एंड कार्डमम्स। अगर मैं कहूँ तो पेपर के साथ साथ इसका भी अगर आप सोर्सिंग कर ले तो डेफिनेटली ये एक एडेड एज हो जाएगा, एडेड एडवांटेज हो जाएगा आपके लिए। और ये है प्रोडक्ट नंबर 6 543% के ग्रोथ रेट के साथ। प्रोडक्ट नंबर 5 है वीट और मिसलिन फ्लोर, 692% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 5। प्रोडक्ट नंबर 4 है जिंजर, सेफ्रॉन, टर्मरिक जैसी चीज़ें। और अगर आप हर्ब्स की बात करें तो स्पेसिफिकली जिंजर जो है वो ज़्यादातर आपको बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से आप जिंजर को जो है वो सोर्स कर सकते हैं और बहुत ही सही क्वालिटी क्वांटिटी आपको मिल सकती है। 747% के ग्रोथ रेट के साथ ये है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 4। प्रोडक्ट नंबर 3 है अनडीनेचराइज्ड इथेनॉल अल्कोहल ऑफ एन अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%। इथेनॉल अल्कोहल एंड अदर स्पिरिट्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पजेस में यूज़ होने वाले इथेनॉल रहते हैं और नेचुरल अनडीनेचुरेटेड जो इथाइल अल्कोहल रहते हैं, ऐसी प्रोडक्ट की बात हो रही है। और ये एक केमिकल प्रोडक्ट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पजेस में इसका यूज़ होता है। 754% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 3 है। प्रोडक्ट नंबर 2 की अगर बात करें तो ये भी अगेन केन और बीट शुगर एंड केमिकली प्योर सुक्रोज इन सॉलिड फॉर्म्स। केन या तो बीट से हुई बनी हुई शुगर और सॉलिड फॉर्म में जो मिलती है, ऐसी शुगर की बात हो रही है। और 793% के ग्रोथ रेट के साथ इस प्रोडक्ट को अगर आपने सोर्स कर लिया या अगर आप इसके मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हैं तो इस प्रोडक्ट को इथियोपिया में ज़रूर मार्केट करें, इसके लिए आपको सही बायर्स मिल जाएंगे। प्रोडक्ट नंबर 1 पे आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएँ। और आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट नंबर 1 पे, मशीन्स फॉर एक्सट्रूडिंग, ड्रॉइंग, टेक्सचरिंग और कटिंग मैन मेड टेक्सटाइल मटेरियल्स। ये एक सही प्रोडक्ट है। इस टाइप की प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो 876% का जो है वो ग्रोथ रेट भी है। और इस टाइप की जो मशीन्स रहती है, इस टाइप की जो स्पेसिफिक मैकेनिकल डिवाइसेस रहते हैं, ऐसे मशीन्स में आपको कंपटीशन का भी बहुत ही कम सामना करना पड़ेगा। ताकि आपको ज़्यादा कंपटीशन हो तो आपको सोर्सिंग से लेके सेलिंग तक की सारी जो प्रोसीजर है उनमें आपको हो सकता है शायद दिक्कत आए, लेकिन यहाँ पे जो है वो कम कंपटीशन वाली अगर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं ऐसी कंट्रीज के लिए तो डेफिनेटली आपके लिए विन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइम इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम कम्प्लीटली इन डेप्थ मैनर में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक सही तरीके से सीखने में तो अभी ही आपकी स्क्रीन पर दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।